पेटी कैश की एंट्री किस तरीके से करेंगे वो सीखते हैं। हम एक पेटी कैश का वाउचर भी बनाएंगे ताकि हमको पेटी कैश का हिसाब जो है वो अलग से वाउचर में ही दिखेगा हमेशा से। तो यहाँ पर देखिए, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस 300, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 600, टी एक्सपेंसेस 100 रुपीज़। ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट होगा। तो चलिए हम लोग टैली में चलते हैं। ये ऑलमोस्ट 1000 रुपये का पेटी कैश एक्सपेंस है। तो अभी हम लोग हमारा कैश चेक करते हैं और उसके बाद हम लोग पेटी कैश की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग कैश एक बार चेक कर लेते हैं। DAC हमारे पास जो कैश है वो है 25,140 रुपये इस वक्त। तो 25,140 रुपये का कैश है, तो ये 24,140 हो जाएगा जब हम पेटी कैश की एंट्री कर लेंगे तब। तो इसमें से 1,000 रुपया कम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक वाउचर बना लेते हैं। वाउचर नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट अगर हम पेटी कैश का अलग से वाउचर बनाएंगे तो वो बेटर रहेगा। इससे क्या होगा, मैं आपको एक नया वाउचर किस तरीके से क्रिएट करना है वो भी बता पाऊँगा। तो वाउचर कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। क्रिएट में आए, क्रिएट में आने के बाद वाउचर टाइप में आए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाउचर टाइप क्रिएशन। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं पेटी कैश वाउचर, इसको हमें रखना है पेमेंट के अंडर में। तो जब हम पेमेंट का F5 प्रेस करेंगे तो ये हमें इसका ऑप्शन दिखाई देगा। वाउचर नंबर ही हम लोग ऑटोमेटिक ही रखते हैं और इसको कर देंगे Ctrl A। अभी हम एक लेजर बनाएंगे क्रिएट, उसके बाद लेजर पेटी कैश नाम का हम लेजर बना रहे हैं यहाँ पर। और ये हम बनाएंगे कैश इन हैंड के अंडर में। तो हमने अभी एक वाउचर बनाया पेटी कैश नाम का और एक हमने लेजर बनाया पेटी कैश नाम का। अभी हम चलते हैं, सीधा एंट्री करते हैं। ये देखिए हमारा जो कैश है वो है 25,140। अभी हम करते हैं एंट्री। तो यहाँ से मैं करता हूँ वी प्रेस किया, उसके बाद ये जो पेमेंट है F5 करेंगे तो हमें वो पेटी कैश का वाउचर भी दिखाई देगा। तो F5 किया, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया पेटी कैश वाउचर का। तो इस तरीके से आप वाउचर बना सकते हो। तो यहाँ पर आप पेमेंट की जगह पे पेटी कैश का वाउचर ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पेटी कैश का वाउचर, पेटी कैश का वाउचर लिया। यहाँ पर डेट हम ले लेते हैं 1 मई 2023। डेबिट में क्या करेंगे हम लोग, हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑल्ट सी करते हैं हम और यहाँ पर कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, हमें 3 एक्सपेंसेस क्रिएट करने हैं। ये हम करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसके बाद हम लोग कर लेंगे Ctrl A। दूसरा हम क्रिएट करेंगे, इसका हम लोग पहले अमाउंट डाल लेते हैं जो अमाउंट था खर्चे का। तो कन्वीनियंस एक्सपेंसेस का 300 रुपीज़ था। जो भी खर्चे हैं वो हमारे डेबिट होते हैं, हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल में देखा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये डेबिट हो रहा है। दूसरा जो है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ऑल्ट सी यहीं से करेंगे। ऑल्ट सी कुछ भी आपको क्रिएट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में ही होगा। Ctrl A करके हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, इसका है 600 रुपया। वापस से डेबिट करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, टी एक्सपेंसेस ये भी होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट, Ctrl A, और ये है 100 रुपीज़। अब क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा पेटी कैश। ये देखिए पेटी कैश 1000 माइनस में चला गया है, बिकॉज हमारे पेटी कैश में हमने पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया था, इसलिए ये 1000 माइनस में आपको दिखा रहा है, ये रेड में दिखा रहा है। पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर नेगेटिव कैश दिख रहा है पेटी कैश में, अगर आप यहाँ पर कैश लोगे तो आपका नेगेटिव कैश नहीं दिखेगा। यहाँ पर हम लेंगे कैश एंटर कर लेंगे। अभी हम चलते हैं कैश में, कैश का बैलेंस देखते हैं। ये देखिए 25,140 था, 24,140 हो गया है। अभी मैंने आपसे एक लेजर बनवाया था पेटी कैश का, तो उससे क्या होगा, आपका पेटी कैश का हिसाब अलग से दिखेगा। यहाँ पे जब आप DAC में जाओगे तो यहाँ पे अलग से आपको पेटी कैश दिखेगा। तो
बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेटी कैश में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये कैश से आपको पेटी कैश में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, बट अगर करोगे तो आपको पेटी कैश का अलग से हिसाब दिखेगा। तो वैसे भी हम लोग करके देखते हैं, हम लोग एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं यहाँ पर। देखिए अभी हमारे जो अकाउंट में पैसा पड़ा है कैश में, वो है 24,140 रुपया। पहले ये 25,140 था, अभी ये 24,140 है। तो यहाँ से अभी हम लोग 4,140 रुपया हम लोग पेटी कैश में ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पर जो है 20,000 हो जाएंगे। तो चलिए वो करके देखते हैं। तो रिप्रेस करेंगे और उसके बाद करेंगे F4 कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में जाने के बाद यहाँ से हम लोग कैश 4,140 रुपीज़। देखिए यहाँ पे कैश का जो बैलेंस है वो आपके सामने 25,000 हो गया है, और डेबिट में हम लोग करेंगे पेटी कैश को। पेटी कैश किया तो पेटी कैश में 4,140 रुपये आ गए। ये मैं थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल बता रहा हूँ, आप अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, जैसा आपका काम है। अगर आपका काम पेटी कैश में ज़्यादा होता है तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, बीइंग कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैश अकाउंट टू पेटी कैश अकाउंट। तो अभी आपके पेटी कैश में 4,140 रुपये आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग एक वो वाली एंट्री में चलते हैं जो अभी हमने की थी, DSS, और हमने एक वाउचर बनाया था पेटी कैश नाम का, वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए, तो वाउचर बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि वो हमें यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स में दिख रहा है, जैसे हमें सेल्स परचेस के वाउचर दिख रहे हैं, वैसे हमें पेटी कैश का भी वाउचर दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो वाउचर चेक करने के लिए DSS, ये देखिए पेटी कैश का वाउचर, ये देखिए। तो अभी आप यहाँ पर अगर पेटी कैश कर लोगे तो यहाँ पर कैश की जगह पे आप, अभी आपके पेटी कैश में पैसे आ गए हैं तो आप यहाँ पर पेटी कैश डाल दीजिए। तो देखिए आपके पेटी कैश में 4,140 रुपीज़ था, अभी आपका पेटी कैश हो गया है 3,140 रुपीज़। तो अभी मैं आपको अगर कैश में जाके दिखाऊँ तो आपको अलग से पेटी कैश दिखेगा, DAC। ये देखिए आपका कैश का बाइफर्केशन आपको दिख रहा है, आपके कैश में 21,000 रुपया पड़ा हुआ है और आपके पेटी कैश में 3,140 रुपीज़ है। तो आपका जो टोटल कैश है वो है 24,140 रुपया। तो पेटी कैश में मैंने आपको सिखाया एक पेटी कैश का वाउचर बनाना और एक पेटी कैश का लेजर बनाना। पेटी कैश का लेजर जो है वो आपको अलग से आपको बाइफरकेट करके दे देगा। अगर लेजर नहीं भी बनाओगे तो डायरेक्ट आप कैश में कर सकते हो। मैंने आपको दो सिचुएशंस बताई यहाँ पर, पहले मैंने आपको कैश में एंट्री करके बताई और फिर वही कैश को मैंने हटा के वहाँ पे पेटी कैश डाल दिया, और एक मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्री बताई। मैंने आपको कैश में से पेटी कैश में पैसा ट्रांसफ़र करना सिखाया कॉन्ट्रा एंट्री में, और मैंने एक पेटी कैश का वाउचर बनाना सिखाया। तो क्या हुआ, वाउचर बनाने से जब आप यहाँ पर वी प्रेस कर रहे थे तो जब आपने यहाँ पर FY डाला तो पेमेंट का भी वाउचर टाइप आया और पेटी कैश का भी वाउचर टाइप आया। तो यहाँ पर आपको पेमेंट में अगर आपको ढूंढने में परेशानी होगी इन फ्यूचर तो आप पेटी कैश का अलग से हिसाब रख सकते हो। तो आप क्या करोगे, पेटी कैश का वाउचर में एंट्री करोगे तो आप जब DSS प्रेस करोगे तो यहाँ पर पेमेंट की एंट्री में आपका पेटी कैश मिक्स नहीं होगा। ये देखिए ये सब आपकी पेमेंट की एंट्रीज है और आपकी जो पेटी कैश की एंट्री है वो यहाँ पे पेटी कैश के वाउचर में अलग से दिखेगी आपको। तो आपको पेटी कैश का वाउचर बनाने का फ़ायदा ये है और पेटी कैश का लेजर बनाने का भी फ़ायदा मैंने आपको बताया।